तो कोडाई वर्सेस हमारे जो मेन पर्सन है अभी अच्छे खासे गेम प्ले उनका दिखा रहे हैं वो वो है हमारे एंडर्स एंड टॉनसन इनके गेम के बारे में डिस्कशंस करेंगे शुरुआत करेंगे सब थोड़ी बेसिक चीज़ों से पूरी मैच की एनालिसिस है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे रियली ये लोग बिल्डअप करते हैं कैसी कौन सी मिस्टेक्स है जो एक दूसरे पर्सन को मतलब कैसे हरा रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो शुरुआत ही करते हैं फर्स्ट सेट के बारे में देखो स्टार्टिंग के जितने भी हाफ सेट होगा ना ग्यारह पॉइंट तक तब मैं एक चीज़ आप नोटिस करो आप चाहो तो वीडियो को वापस करके भी देख लेना आप आप एक एक करके रिलीज भी वापस करके देख सकते हो सिर्फ मैं बोलूँ उस पर थोड़ा बहुत फोकस करना और मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको क्रॉस चेक यहाँ पर जो चीज़ है ना मैच चल रही है उसमें देखना तो फर्स्ट सेट जो हाफ होगा ना तब तक ऑलमोस्ट दोनों के दोनों पर्सन है ना वो एरर्स ज़्यादा कर रहे हैं एरर से मेरा मीनिंग क्या मेरे पिछले वीडियोस अगर आपने देखो तो आपका आइडिया आ जाएगा एरर्स क्या होते हैं एरर्स मतलब आप बाहर मार रहे हो आप स्मैश ज़रूर मार रहे हो बट वो जगह पे नहीं जा रही है बाहर जा रही है आउट मिल रहा है मतलब आप मार जरूर रहे हो टॉसेस मार रहे हो वो बाहर जा रही है दैट्स एन एरर सो कोडाई और एंडरसन दोनों एरर्स ऐसी करे जा रहे हैं हाफ सेट्स तक होता है फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी पर्टिकुलर आप चाहो तो इस चीज़ को वापस जाके देख सकते हो कि वो लोग कैसी एरर्स कर रही है आप एक नोटबुक में जाके लिखो कि कौन सी एरर किसने की कैसे की कितनी एरर की पूरे एक सेट में ये चीज़ें भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि कौन कितनी ज्यादा एरर्स कर रहा है आपके खुद की मैच जब हो तो आप मैच को रिकॉर्ड करो और देखो कि 21 पॉइंट में से 11 तो गिफ्ट्स में एरर आपने सामने वाले को दे दिए है सामने वाला भाई मेहनत करके आपसे पॉइंट लेना चाहिए सामने वाला आपको स्मैच मारे रीली करे फिर पॉइंट ले समझ आता है एरर्स में पॉइंट दे रहे हो बिल्कुल भी, भी कोई मीनिंग नहीं बनता है तो आप जाके क्रॉस चेक इस चीज को करो कितने एरर्स किए फर्स्ट सेट में ये एक पॉइंट है कि दोनों के दोनों एरर्स कर रहे हैं कोई एक पर्सन एरर नहीं कर रहा है देन एक चीज़ फोकस करो जो एंडर्स एंड टॉन्सन है वो बहुत ही ज़्यादा कोडाई ना उनकी बॉडी पे स्मैशेस मार रहे हैं बॉडी पे टैप्स मार रहे हैं आप फोकस करो जाके एक दो स्मैशेस और ये सारे पॉइंट्स देखना उनका उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं और कोड़ाई उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं मतलब जवाब का मीनिंग क्या बता रहा हूँ मतलब वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं बॉडी पर स्मैशेज आ रहे हैं वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी uh, देखो एक दो एरर्स आएगी तो आपको आइडिया आ जाएगा मतलब कैसे मारते हैं वो देन एंडर्स एंड एक और चीज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हाफ स्मैश मार रहे हैं फुल स्मैशेज नहीं मार रहे हैं हाफ़ स्मैसेज वो उनके कोडाई के जो फोर हैंड है वहाँ पे भी मार रहे हैं और उनका बैक हैंड है वहाँ पे भी मार रहे हैं ये चीज़ आपको फोकस करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यार लेंथ स्मैसेज जब मैं मार रहा हूँ ना तो सामने वाला उसको डिफेंड कर रहा है बट अगर एक दो मेरी हाफ स्मैसेज सामने वाला उसको भाई वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है मेरा अपोनेट तो ट्राई करो कि वो चीज़ आपको रिपीट करो और उसमें पॉइंट्स लेने की कोशिश कर सकते हो आप तो एंडर्स एंडसन देखो हाफ़ ऐसे ट्राई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना फुल पावरफुल स्मैसेज वो नहीं लगा रहे हैं हाफ़ स्मैशेज लेके पॉइंट्स ले जा रहे हैं बैक और फ्रंट मतलब जो उनका फोर हैंड है कोड़ाई का वहाँ पे भी और बैक हैंड पे भी दोनों साइड पे वो ले रहे हैं देखो बॉडी पे जितना भी रहे है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे फर्स्ट सेट की बात कर रहा हूँ देन वही एंडर्स अपने बॉडी पर टारगेट कर रहे हैं जो कोड़ाई है उनका देन हाफ स्मैसेज वही चीज़ें चल रही है देखो ये पूरे फर्स्ट सेट में पूरा का पूरा टारगेट ही एंडर्स का ये होने वाला है बॉडी पे टारगेट करो कोड़ाई के बैक हैंड पे मैक्सिमम रखो कोड़ाई के बैक हैंड पे वो उतना ज़्यादा डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और हाफ स्मैसेज खेलो ऐसी स्ट्रेटजीज आपको खुद को भी बनानी होगी आज जब आप खेल रहे हो आपको आइडिया आना चाहिए कि सामने वाला कौन से जैसे आप कुछ ड्रॉप्स खेल रहे हो तो ड्रॉप सामने वाला ठीक से नहीं उठा पा रहा है तो वो एक स्ट्रैटी हो जाती है आप ट्राई कर सको बट ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक शॉट में वही खेलो आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी ला सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है आपके कोचेस क्या बताते हैं कि सामने वाला क्या गलती कर रहा है क्या नहीं यहाँ पे बेसिक तीन चीज़ें थी जो कोडाए नारो का है बैक हैंड पे हाफ़ स्मैशेज़ मार रहे हैं अंडर सेंटॉनसन दैन बॉडी स्मैशेज मार रहे हैं एंड देन थोड़े रैली में फंसा के वो हाफ स्मैशेज़ मार के फिनिश कर रहे हैं तो ये फर्स्ट सेट की पूरी की पूरी कहानी थी सेकेंड सेट में एंडर्स एंड टॉन्सन ही चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ़कोर्स जो चीज़ वर्क कर रही है अगर आपको पता है कि स्मैशेज मारने के बाद सामने वाला उसे डिफेंड नहीं कर पा रहा है तो मारो स्मैशेज से यार सच बोल रहा हूँ सामने आप कोई भी एक चीज़ वर्क कर रही है उसको पूरे मैच में ट्राई करो देन कोड़ाई क्या कर रहे हैं देखो कोड़ाई की स्ट्रैटी आपको बताता हूँ कोड़ाई जो लिफ्ट कर रहे हैं ना देखो जहाँ से वो लिफ्ट कर रहे हैं वो एंडर्स एंड टोन्सन के हाथ में जा रही है हाथ से मेरा मतलब ये है कि सेंटर के आसपास ज़्यादा लिफ्ट जा रही है वो ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जो कोड़ाई है ना वो भी एंडर्स एंड टोनसन को बॉडी स्मैशेज ट्राई कर रहे हैं बट एक दो शॉट्स के बाद वो कूड़ाई वो उस पर ज़्यादा उतना फोकस नहीं कर रहे हैं जैसे एंडर्स एंड टोनसन की पूरी स्ट्रैटेजी ये थी ना कि बॉडी स्मैशेज से ही पॉइंट लेने हैं वैसे कोड़ाई भी ट्राई कर रहे हैं बट पूरा की पूरी स्ट्रैटेजी उस पर बेज नहीं डाल रहे हैं कूड़ा इनाराओं का तो एंडर्स एंड टॉन्सन वो चीज़ ट्राई करा देखो यहाँ वो ही चीज़ इजी है आपको थोड़ी बहुत रैली को भाई परखना आना चाहिए कि कौन सी रैलीज़ कैसे हो रही है देन एंडर्स एंड टोनसन ये फर्स्ट सेट के अंदर तो दोनों साइड पे वो स्मैशेस हाफ स्मैशेस कर रहे थे बट अब मेजोरिटी के शॉट्स है ना जो एंडर्स एंड टॉनसन कर रहे हैं वो कोडाई का जो बैक हैंड है ना बैक हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड वाले साइड है ना उनकी वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ़ द शॉट्स खेल रहे हैं जैसे उन्होंने एक एक सेट के अंदर टोटल हंड्रेड शॉट्स खेले हैं तो उसमें से सेवेंटी शॉट्स ऐसे होंगे जो उन्होंने कोडाई के बैक हैंड पे खेले होंगे वो वीक लग रहा है उनका वीक इन देंस वहाँ पर वो अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो एंडर्स उसी को टारगेट कर रहे हैं तो यही चीज़ है देन कोड़ाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं कोड़ाई की स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया है मुझे बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रेटजी लगी वो क्या कर रहे हैं एंडर्स एंड टॉनसन जहाँ पर भी खेल रहे हैं ना जैसे एंडर्स की जो बोलते हैं ना कि उनकी स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बैक हैंड पे मारे कोड़ाई के वो चीज़ समझ आ जाती है कोड़ाई भी भाई एज़ अ प्लेयर है उनके कोचेज़ भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं एंडर्स एंड टॉनसन तो उसको काउंटर करने के लिए देखो वो चीज़ क्या होती है कि एंडर्स ये अगर पूरे सेट में जो पहले सेट में किया था वही चीज़ रिपीट करते तो शायद रिपीट इन द सेंस उन्होंने बॉडी स्मैशेस ही मारी होती उनके साइड लाइन में हाफ स्मैशेस ही मारी होती सेकंड सेट में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे एंडर्स एंड टॉन्सन फुल स्मैशेस ट्राई कर रहे हैं वो हाफ स्मैशेस बंद कर दिए उन्होंने फर्स्ट सेट में अगर हाफ स्मैशेस उनकी काम कर रही थी सेकंड सेट में वो फुल स्मैशेज मार रहे हैं साइड लाइन्स में तो वो चीज़ उनकी वर्क नहीं कर रही बट वहीं पे अगर बात करें कोडाई नाराओका की तो उनकी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट मुझे लगी वो सबसे बेस्ट इन देंस ये मैच की बात कर रहा हूँ मैं वो साइड लाइन्स को टारगेट कर रहे हैं देखो यहाँ पे साइड लाइन गई है साइड लाइन एक एक दो रैली देख लो आपको आइडिया आ जाएगा जैसे ही उनको पता चला कि भाई एंडर्स के हाथ में जा रहे हैं शटल्स उन्होंने साइड लाइन्स पर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया देखो फुल लाइन्स मैच तो वो मार ही रहे हैं देखो यहाँ पे साइड लाइन साइड लाइन साइड लाइन बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ उनकी ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी स्मैशेज़ मार रहे हैं वो बिसाइड जितना हो सके वो एंडर्स से शटल को दूर रखना चाहते हैं ये चीज़ सिंगल्स में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है सामने टॉलर प्लेयर हो शॉर्टर प्लेयर हो फास्ट प्लेयर हो ईजी कोई भी टाइप का प्लेयर हो ये स्ट्रेटजी आपकी हमेशा काम करेगी अगर आप आपके अपोनेंट से शटल को दूर रखने की कोशिश करोगे ये स्ट्रेटजी आपकी हमेशा काम करने वाली है आप ये चीज़ हम एक बार ट्राई करना अगर नेक्स्ट टाइम आप कोर्ट में जा रहे हो ये चीज़ ट्राई करना कि आपका अपोनेंट है ना उससे शटल दूर रखो मतलब पीछे के कोर्ट में एकदम डीप तक लिफ्ट करो स्मैशेस और वो सारी चीज़ें जब आपको मौका मिले तब मारो बट साइड लाइन जैसे साइड लाइन है ना वहाँ पे टारगेट करो बट यहाँ पे लोग लोगों की गलती क्या हो जाती है जब साइड लाइन्स में बहुत जाने की कोशिश करते हैं वो एरर्स करना शुरू कर देते हैं एक दो स्मैश मारी वो बाहर गई तो वो बंद ही कर देंगे मतलब उनको विश्वास नहीं है वहाँ की भी वहाँ पर जाएगी वो परफेक्टली वो स्मैशेस नहीं मारते हैं साइड लाइन्स जा रही है फिर एरर्स जा रहे हैं तो क्या करना है आपको स्मेश मारनी बंद कर देनी है बिल्कुल भी नहीं आपको कंट्रोल करना सीखना है कि कैसे शटल्स को आप अंदर मार सकते हो। तो ये सारी स्ट्रैटीज थी ना कि ये की मुझे बहुत बढ़िया लगी और थर्ड सेट के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं देखो जो ना है ना जो थर्ड सेट के अंदर जो स्टार्टिंग की उनकी स्ट्रेटजी है उस पर अगर आप फोकस करो तो कोड़ाई नाराओ का फ्रंट कोर्ट में ला रहे हैं पहले एंडर्स को देन पीछे के कोर्ट में भेज रहे हैं फ्रंट बैक फ्रंट बैक ये भी एक टाइप की स्ट्रेटजी है आप आपके अपोनेंट को है ना थका देते हो मेंटली भी थका देते हो और बॉडी तो थक ही जाती है कि यार आप कंटिन्यूस पूरे कोर्ट में जब भाग रहे होते हो तो एनर्जी वेस्ट होती है एक बहुत एक लिमिट के बाद होते हैं ना बॉडी भी काम नहीं करती और दिमाग भी ऐसा बोलता है कि यार रेली फिनिश हो जाए बस तो वही चीज़ कोडाई नाराओ का ट्राई कर रहे हैं और एंडर्स का ऑफकोर्स देखो फाइव जीरो स्कोर चल रहा है ऑफकोर्स वो अंडर प्रेशर है इसके अंदर क्योंकि कोडाई की ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है देन एंडर्स कैसे देखो एंडर्स ने बैकअप कैसे किया ये प्रेशर से उन्होंने क्या किया जो फर्स्ट सेट के अंदर जो उनकी स्ट्रेटजी वर्क की थी ना कि बॉडी स्मैशेस मार रहे हैं और बैक हैंड वाले पार्ट पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं सेम चीज़ उन्होंने अब टारगेट करनी शुरू की है अगर एंडर्स ने सेकेंड सेट के अंदर ही जो फर्स्ट सेट वाले स्ट्रैटेजी थी ना वो कंटिन्यू की होती तो हो सकता था हो सकता था बोल रहा हूँ कि जो मतलब कोडा इन का है ना उनको सेकेंड सेट में भी वो हरा सकते थे बट सेकेंड सेट के अंदर वो फुल स्मैश में गए फुल लेंथ स्मैशेज में गए दैन उन्होंने किया कि अब मैं अटैक मोड में जा रहा हूं रैली मोड में जा रहा हूं फर्स्ट सेट की स्ट्रेटी थोड़ी बहुत भूल के उन्होंने दूसरी स्ट्रेटेजी मतलब एक्सेप्ट की तो वो चीज की वजह से कोड़ाई बहुत और ऑफकोर्स कोडाई ने बहुत बढ़िया गेम खेली उनसे कोई भी मतलब ये चीज ले नहीं सकता बहुत बढ़िया गेम खेली देन एंडर्स एंड टॉनसन थर्ड सेट के अंदर वही बॉडी स्मैशेस और साइड लाइन्स ट्राई कर रहे हैं साइड लाइन जब उनका जो कोडाई का बैक बैकहेंड वाला पार्ट है वहां पर टारगेट कर रहे हैं पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको पहले से पता था बट पता नहीं क्यों थर्ड सेट तक उन्होंने वेट किया वही चीजें हो जाता है जब कोर्ट में आप खेलो तो आपको भी पता है कि एक स्ट्रेटेजी एक लिमिट के बाद आप खुद भी भूल जाते हो बट होती है ये चीज़ें एक और चीज़ है ना वो उनकी स्मैशेस देखो वो हाफ स्मैशेस नहीं मार रहे हैं वो फुल लेंथ स्मैश मार रहे हैं फुल लेंथ स्मैशेस भी ही नारा कि कितनी बढ़िया आ रही है आप ए, यही चीज पे फोकस करो जब आपके कोचेज या फिर कोई भी अगर आपको देखो यहां पे वापस बैक एंड पे एंडर्स ट्राई कर रहे हैं एक चीज हमेशा याद रखो कोडाई नाराओ का जैसे अभी देखो बैक बॉडी स्मैशेज वही फर्स्ट सेट वाली रेलिए Uh, मैं क्या बोल रहा था ओके okay. uh, कोडेना रोका उनकी स्मैशेस आप देखो कि जब आपके कोचेस बोले ना कि हंड्रेड स्मैशेस आपको मारनी है प्रैक्टिस के लिए तो उन्होंने अगर बोला है ना कि टारगेट ये है तो आपके हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन्टी फाइव स्मैशेज़ वो टारगेट के आसपास ही लगनी चाहिए अगर बाहर जा रही है तो इसका क्लियर मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं है ये चीज़ प्रैक्टिस आप हमेशा करो अगर सौ टॉसेज मारने को बोले आपके कोचेज ने तो जगह पर जाने चाहिए आप भाई कहीं पर भी हवा में स्मैश मार रहे हो कहीं बाहर जा रही है जा रही है कोई मीनिंग नहीं है आप थक जरूर जाओगे आपकी मेहनत जरूर लगेगी बट रिज़ल्ट जीरो आएगा उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको आप थक जरूर जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला बट अगर आपके कोचेज ने बोला है कि ये पर्टिकुलर जगह है यहीं पे स्मैशेज मारनी है 100 में से 90, 95 आपकी जानी चाहिए ऑफकोर्स पाँच परसेंट एक्यूरेसी हर एक लोगों की हो जाती है तो कोडा इन का वही स्मैशेज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं हाँ देखो अब सेट पूरा फिनिश होने आया है ये पूरी है उसके अंदर मुझे पता है कौन जीतने वाला है कौन नहीं वो बाद में लास्ट में डिस्कशन करूँगा थोड़ा बहुत बट एक चीज़ नोटिस करो थर्ड सेट थर्ड सेट जब शुरू हुआ ना तो वही स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई वही कि अटैक दोनों का बहुत मतलब ये चीज़ हो रही है एंडर्स uh, भी बॉडी स्मैसेज और वो सब ट्राई कर रहे हैं बट इलेवन वाला जो पार्ट गया ना मतलब हाफ मैच फिनिश हुई ना उसके बाद अगर एंडर्स और कोड़ाई की गेम प्ले देखो ना तो दोनों अपनी जो नेचुरल गेम प्ले है ना वहाँ पर आ चुके हैं दोनों के दोनों प्लेयर एग्रेसिव खेल रहे हैं फास्ट खेल रहे हैं एक चीज़ नोटिस करो और रिलीज़ में भी एंगेज ज़रूर हो रहे हैं बट उस लेवल पर एंगेज नहीं हो रहे हैं दोनों पॉइंट्स की ओर जा रहे हैं दोनों ये नहीं सोच रहे हैं कि यार सामने वाला कि एरर तभी मैं पॉइंट लूंगा सामने वाला कुछ गलत शॉट मारे तभी नहीं दोनों एग्रेसिव और फास्ट गेम प्ले खेल रहे हैं उससे मेरा मतलब क्या है कि दोनों एक ही लेवल पर खेल रहे हैं फर्स्ट सेट में एंडर्स डोमिनेट कर रहे थे में कोडाई ने डोमिनेट करना शुरू किया थर्ड क्या जो फर्स्ट हाफ था उसके अंदर दोनों ट्राई कर रहे थे कि एक दूसरे को ऑफकोर्स वो एक दूसरे को डोमिनेट भी किया बट ज्यादातर हुई कौन सी चीज जो थर्ड सेट की बात कर रहा हूं मैं कि दोनों एक दूसरे को गेम प्ले के अंदर वही ही एग्रेसिव गेम प्ले के दिखा के ओके okay. हाँ तो वही 2023 के आसपास उनके गेम प्ले फिनिश होती है और यहाँ पे देखो एक चीज़ अब वो लास्ट में जजमेंट में प्रॉब्लम हुई तभी एडर्स जीत गए वरना एक दूसरे के यही गेम एकदम परफेक्ट दोनों की